हेलो माइनक्राफ्ट लवर्स, सब बढ़िया ना? स्वागत है आप लोगों का द ग्रेट सर्वाइवल सीरीज इन इंडिया। आज की वीडियो एंड होने वाला है इलाइट्रा मिलने के बाद। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगा है, सो प्लीज 200 लाइक एंड 1K कमेंट कर देना। सो नाउ एंजॉय द वीडियो। और यहाँ पर मैंने अपना खुद का टेक्सचर पैक यूज़ किया है, जो आप मेरे हार्ट एंड एक्सपी बार को देख सकते हो। एक और चीज़ दिखाता हूँ, एक बार स्केलेटन को चुप करा दूँ। चुप हो जा, हो जा, हो जा। ओके, हो चुका है। और सामने आपको दिख रहा होगा ये जो मॉब्स है, ये है क्रीपर। कोई कस्टम मॉब नहीं है, बस टेक्सचर मैंने चेंज किया है। थोड़ा और काम होगा इसमें, अभी बस टेस्टिंग वर्सन में है। जैसे हो जाएगा, ये हरकत तो सेम ही है, ब्लास्ट हो चुका है। यहाँ पर मुझे क्यूट सा ऑक्सलॉट भी दिखा है, आप लोगों को दिखाऊंगा। अब दिखाता हूँ, ये देखो, इसे तो बचाना चाहिए ऑक्सलॉट्स, ये खोने वाला है। सो बचा लिया है। और रास्ते में घर पहुँचते टाइम मुझे एक चीज़ दिखाई दिया है, आप लोगों को भी दिखाता हूँ। जस्ट डू इट, अब नीचे जाना है अपने को। एंड जस्ट लुक एट दैट, एक एमेथिस का केव। इसका एंट्रेंस तो मुझे दिख नहीं रहा, सो आई थिंक मुझे यहाँ से डिग करके जाना होगा। यार ड्राउनेड है, वो भी ट्राइडेंट के साथ। यार क्या मसला है, तो इसे मैं मार के छोड़ूंगा। और यहाँ पर मैंने एक बड़ा मिस्टेक कर दिया था कि इसे मारना मैंने अपने ईगो पे ले लिया था, और जिसके कारण मैंने अपना सांस भी नहीं देखा, चेक नहीं किया, और अब मैं मरने वाला था। जैसे मैं ऊपर आया एंड ये हो गया बूम। ड्राउनेड था, उसके बाद ट्राइडेंट था। अब जैसे जैसे करके मैंने अपने सारे सामान इकट्ठा कर लिया और अंदर चला गया। और अंदर जाते बाप रे बाप, पूरा अंधेरा। और ये देखो स्केलेटन। यार एक तो ये लोग कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं दे पाते, और ऊपर से नॉकबैक। चलो इसके नॉकबैक ही सबसे ज़्यादा परेशानी है। ओह चलो शांति आ गया। और इसकी जो सेटिस्फाइंग साउंड है एमेथिस का, जस्ट हियर दैट। हो गए, बहुत हो गया एसएमआर। चलो अब यहाँ से निकलते हैं। और इमेजेस के फार्म भी बनते हैं, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। इसका मैं ब्लॉक बना सकता हूँ, बट उल्टा नहीं होगा, ब्लॉक से मैं इमेजेस नहीं ले सकता। यार ये तो बहुत बुरा हुआ। और देखो सामने कौन है, मेरे बनाया हुआ कीपर, मेरे टेक्सचर दिया हुआ कीपर। चलो इससे गन पाउडर चाहिए, अपने का गन पाउडर देगा। ओके दे दिया है। एंड मुझे एक बायो मिला है, और पता ही है ये कौन सा बायो है, जंगल बायो। छोटा सा वायोमी लग रहा है मुझे। और यहाँ पे पम्पकिन मैलन्स है, और ये एक पैरट है। चलो इसे भी मैंने टीम कर लिया है। अपने एडवेंचर के टाइम ये पैरट थोड़ा हेल्पिंग करने वाला है, कंपनी देने वाला है अपने को। बाकी तो पैरट से कोई खास प्रोटेक्शन मिलने नहीं वाला, बट ये एक सेटिस्फाइंग चीज़ है। अपने कंधे में पैरट रहेगा, कंधे पे पैरट रहेगा। और इनसे मैं सैपलिंग ले लूँगा, तो घर पर भी उगा सकता हूँ। और ये मैं अपने घर के पास पहुंच चुका हूँ, और सामने मुझे एक माउंटेन मिला था जिसे पार करके मेरा घर है। और यहाँ पे गोट, भाई साहब ये सच बताओ ना, ये गोट किसी काम का नहीं है, बस बकरी की तरह ऐड किया गया है। ऑनेस्टली गोट और ग्लोव को इट दोनों यूजलेस। एंड मैं आ चुका हूँ अपने घर, घर तो नहीं है, अपना विलेज है। घर अभी नहीं बनाने वाला, क्योंकि अपने को चाहिए ओवर पावर चीज़, जैसे कि एलाइट्रा, सल्कर बॉक्स एंड स्कैप होल्डिंग, ये सब आ जाए, उसके बाद बिल्डिंग। और यहाँ पर अपने को मिल चुका है एक डॉग। वाह कितनी क्यूट है। सो इसे मैं टेम कर लेता हूँ ऐसे। ओके एक बार में टेम हो चुका है। और मैंने बैरल्स तो फुल कर लिया था, बट एक कोइंसिडेंट, एक्सैक्टली दैट यू हैड यू कैन एक बहुत बड़ा हादसा। दे आस्क यू हाउ यू आर, यू जस्ट हैव टू से दैट यू आर फाइन व्हेन यू आर नॉट रियली फाइन, बट यू जस्ट कांट गेट इनटू इट बिकॉज़ दे वुड नेवर अंडरस्टैंड।
तो फाइनली अपना मॉब लूट कलेक्शन कंप्लीट हो चुका है। ये देखो, हाँ मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ऊल कलेक्ट करके इसे भर दिया है और अपने को खाना, लेदर, हर चीज़ की कमी नहीं होगा। और अगर आपको लग रहा है कि मैंने क्रिएटिव मोड से किया है तो एक चीज़ दिखा देता हूँ। जस्ट राइट, मैं कोई कट नहीं देने वाला, ये पूरा रॉ क्लिप है, ये वाला क्लिप। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा अचीवमेंट ऑन ही है और ये तभी ऑफ होगा जब मैं क्रिएटिव मोड पे जाऊँगा। सो ये मैं अपना जो ब्लैक स्मिथ है उसके बाद से मैंने ऑब्सिडियन ले लिया है और अब मैं बनाने वाला हूँ एन्चेंटमेंट टेबल। पिछले बार माइनिंग से मुझे डायमंड मिला था और ये आ गया अपने पास एन्चेंटमेंट टेबल। और एक अच्छा सा लोकेशन ढूंढना है मुझे बस इसे लगाने के लिए, और थोड़े बहुत वुड्स की ज़रूरत है। ये लो एक बैरल फुल वुड्स है यहाँ पर, और स्कूट वुड और जंगल वुड ने मेरे बहुत हेल्प किया है। उससे ज़्यादा हो गया है, जल्दी जल्दी हो गया, बड़े वाले ट्री होते हैं। और मैंने अपने घर एन्चेंटमेंट रूम बनाने के लिए इसको चुना है। यस हाँ, मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ कर रहा हूँ, मशरूम के ऊपर हाउस। और रात में मैंने जितने भी हड्डी कलेक्ट किया था तो उनसे बोन मिल्क बनाया है, अब उन्हीं के मदद से मैं शुगर कैन ले रहा हूँ। सो यहाँ पे कोई चीटिंग वीटिंग नहीं हो रहा है, बिकॉज अब आज की जो ग्राइंडिंग है उसे देख के सब लोग बोल सकते हैं कि क्रिएटिव मोड, बट तुम्हारे भाई बहुत ज़्यादा ओपी है, क्रिएटिव मोड का भी बाप है। और मैंने थोड़ा सा छोटा कर लिया था घर को, तो अब थोड़ा सा इसकी हाइट को एक्सटेंड करने वाला हूँ। ऐसे मुझे नीचे वाले फ्लोर को भी चेंज करना होगा, कॉज मशरूम में एन्चेंटमेंट लेवल कम हो जाता है, किसी ने मुझे बताया था। तो ठीक है, इस घर को भी कंप्लीट कर लेते अब सही लगेगा। और यहाँ पे हम बुक सेल्स भी आ चुके हैं, अब देखते हैं कैसा क्या काम होता है। इधर जगह थोड़ा बहुत ज़्यादा हो चुका है, मैंने नहीं सोचा था एक मशरूम के ऊपर भी ऐसा घर बनाया जा सकता है, बट आइडिया काफ़ी अच्छा गया है। ये मैंने थोड़ा सा सोचा था उल्टा सीधा चीज़ें। अब अपने को चाहिए बस फॉर्चून। वाओ, फॉर्चून आ चुका है, कॉज अपना अगला टास्क है एक बैरल फुल करना कॉपर और आयरन से। तो अपने को यहाँ पे कॉपर चाहिए और आयरन चाहिए, और कोल भी मिल जाएगा, सब कुछ है यहाँ पर। अरे यार, ये तो बड़ा वाला माइन है, और यहाँ से मैंने मुझे बहुत ज़्यादा ज़्यादा आयरन मिल रहा है, रॉ आयरन, और कोल भी मुझे भर भर के मिल रहा है। फॉर्चून 2 है, 3 से कम है क्या? और कॉपर भी, कॉपर तो सबसे ज़्यादा मिल रहा है अपने को, ये देख सकते हो। तो यहाँ से जितने कॉपर है सब निकाल लेता हूँ, कॉपर से ही अपना बहुत कुछ बनेगा। इससे हम लोग टूल्स वुल्स तो नहीं बना सकते, बट मैं कोशिश करूँगा बनाने की। और ये आ गया यहाँ पर गोल्ड की, गोल्ड में भी हम लोग फॉर्चून यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ क्वाइट ओपी। और यहाँ पर अपना मेन प्रॉब्लम है कि पिकैक्स में अनब्रेकिंग 3 नहीं है, तो बीच बीच में मुझे मेरी पिकैक्स को रिपेयर करना पड़ रहा है, इसीलिए मैं अपने साथ एनमिल भी लेके घूमता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मुझे एक और ऑक्सोलॉट मिल चुका है, पिछला वाला ऑक्सोलॉट तो क्वीन था और ये किंग होगा। चल आजा अपना किंग। वाओ, अब इसका एक कुछ चीज़ें मैं बनाऊँगा, बट अभी बोलना नहीं वाला। यहाँ पे मुझे एक और ऑक्सोलॉट दिख रहा है, अगर मैं इसे ऐसे मारूँगा ना तो ये मरने का एक्टिंग करेगा। यस, ये लोग क्यूट के साथ साथ स्मार्ट भी है, और रीजेनरेट करके खुद को और यहाँ से भाग जाएगा। काफ़ी बढ़िया है, इन्हें हम लोग मारना तो नहीं चाहिए इन्हें। ओके, सो दूसरा टास्क भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, और यहाँ पर अपने के पास ब्लॉक भी था, मैंने उन्हें रॉ में चेंज कर दिया है। यहाँ पे कॉपर के साथ भी सेम, कॉपर ज़्यादा मिल रहा है बट आयरन मिल रहा है, काफ़ी सही है। और मैंने अपनी पिकैक्स को भी थोड़ा अपग्रेड कर लिया, अब फॉर्चून 3 आ चुका है। और यहाँ पर जब मैं अपनी बेस से थोड़ा दूर गया तो मुझे यहाँ पर एक विलेज मिल चुका है, उस साइड पर मेरा बेस है और इस साइड में विलेज है। यहाँ पर मैं बेस बनाऊँ क्या? नहीं नहीं, ये मैं कुछ और चीज़ बना सकता हूँ, इन विलेजर्स को ट्रेडिंग के लिए नहीं, किसी और चीज़ के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ, बट अभी के लिए ये यहीं पर रहने देते, इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता मैं। वाह पम्पकिन, ये तो मैं नहीं छोड़ने वाला, ये तो मैं ज़रूर लूँगा, इसे भी ले लेते हैं। आई थिंक आप ये इनफ हो चुका है, इससे बैरल तो ज़रूर फुल हो जाएगा, सो देखते हैं क्या होता है। अरे यार, थोड़ा सा बाकी है, कोई बात नहीं है, डायमंड माइनिंग के टाइम फुल कर दूंगा इसे। सो अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं क्रिएटिव मोड यूज़ कर रहा हूँ इसे दिखाने के लिए, एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। और यहाँ पे कोई कट नहीं है, वंस अगेन देख सकते हो मेरी अचीवमेंट अभी भी ऑन है, तो मैंने कोई भी क्रिएटिव मोड यूज़ नहीं किया है।
व्हाट इज दिस गाइस, ये एमरल्ड लोड है यार, कितना सुंदर लग रहा है ये। एक और रेयर चीज, यस एमेथिस्ट का केप वंस अगेन, बर्ड ये इस बार केप से निकला है। और इसकी साउंड, ओह भाई केप में ये बहुत ज़्यादा रेयर है, और इसे फाइंड करना तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर मैं सिल्क टच से तोड़ूंगा तो ये मुझे पूरा मिल जाएगा, ये देखो बहुत बढ़िया है। और अगर मैं इसे फॉर्चून से तोड़ूंगा तो कितना मिलेगा, वाह 16, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। इसे मैं ऐसे छोड़ने वाला हूँ, ज़्यादा तो यूज़ नहीं करने वाला, और ये छोटे वाले से शायद कुछ मिलने नहीं वाला। एक बार सिल्क से नहीं, फॉर्चून से तोड़ के देखता हूँ, नहीं कुछ नहीं मिला। तो डायमंड माइनिंग तो ख़त्म हो चुका है, और यहाँ पे देख सकते हो डायमंड आ भी चुका है, 10 है टोटल, और तोड़ के देखते हैं कितने आते हैं। आई होप ज़्यादा आना चाहिए, 20 से तो ज़्यादा आना। ओके 22, ठीक है नॉट बैड, इसे मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। सो अब चलते हैं नेदर में, अब होगा फोर्ट्रेस हंटिंग। आई होप अपने को एक बढ़िया सा स्पॉन मिल जाए। हाँ जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही है, लावा के साइड पे मिला है, मतलब कितना बढ़िया ही सोच सकते हो। और ऐसा बायोम में मिला है कि हम लोग सर उठा के नहीं जा सकते, क्या बोलूँ, सर झुक के जाना पड़ेगा यहाँ से। और सामने अपने को एक और बायोम दिख रहा है, तो अपने को यहाँ पे फोटोज दिख गया है, और ये नमूने भी है, सोल्ड वैली है। कैसे सोच रहे हो ऐसे बच जाओगे, रेडी एंड गो चल। और यहाँ पे अपना किस्मत बहुत बढ़िया है क्योंकि बोनी देख लो स्कल। भाई 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 भाई, किस्मत बहुत बढ़िया है, नेदर वॉट मिल चुका है अपने को। अब ज़्यादा टाइम पास नहीं करना चाहता, ये एक बना लेता हूँ व्रिंग स्टैंड, पोशन स्टैंड जो भी बोल सकते हो, और इसे यहाँ पे लगा देते हैं, और इस पर पानी डालते हैं, और बटल भरो जितना जल्दी हो सके। अपना इन्वेंटरी भर चुका है, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे मैंने बना लिया फायर स्टेशन पोशन, वो आप लोगों को पता है कैसे बनता है। ओ सर 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 सर, मेरा आर्मर टूटने वाला है, और मैं अपने एनविल भी घर पे भूल आया हूँ यार, किसी तरह से यहाँ से भागना पड़ेगा मुझे। हो उधर भी दो मामू हैं यार, कैसे कहाँ फंस जाता हूँ मैं। ओके सो एक प्रो टिप्स देता हूँ आप लोगों को, अगर आपका आर्मर टूटने वाला है या फिर आप कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते अपने पोर्टल तक पहुँचने के लिए, एंड अगर आपको अपनी पोर्टल की लोकेशन भी मालूम है तो बहुत बढ़िया है, तो आप ऐसे ऊपर आ सकते हो, और एकदम ऊपर वाले फ्लोर जो है Y=100+, तो इस वाले फ्लोर पे आके आप डिग अप कर सकते हो, स्टेट डिग डाउन डिग कर सकते हो। और थोड़ा लावा से बच के रहना है, जैसे कि आपने देखा लावा यहाँ पे पानी की तरफ फैलता है। और दोनों पिकैक्स में अनब्रेकिंग 3 है, यानी कि 6 पिकैक्स के टाइम काम करेगा। और अपने को यहाँ पे फाइनली अपने पोर्टल मिल चुका है, एकदम पोर्टल के नीचे हूँ, मुझे इसकी कोऑर्डिनेट दिया थे। अगर आपको नीचे जाना है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस एंडर पर्ल चाहिए, और ये रहा। और अब हम लोग रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, सो आई अपेंडर फेंकते हैं ये जस्ट लाइक दैट। ओके इस साइड से गया है,
ओके तो अब हम लोग इस साइड में जाने वाले हैं। हो भाई तो मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और इधर एक विलेज है। जहाँ तक मुझे मालूम है माइनक्राफ्ट में ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड विलेज के नीचे ही स्पॉन होते हैं। हाँ जितने भी स्ट्रॉन्ग होल्ड मैंने देखा है अभी के 1.16 में वो विलेज के नीचे ही होते हैं। तो यहाँ पर देखता हूँ कहीं पर गया है नहीं, तो आई थिंक ये कहीं नीचे पे घुस गया होगा। एक सो मैं ज़्यादा टाइम पास नहीं करना चाहता, एकदम नीचे जाने वाला हूँ, अगर मिला तो बहुत बढ़िया। और ये मैं स्ट्रेट डाउन क्यों कर रहा हूँ, डिग डाउन क्यों कर रहा हूँ, ऐसे करते हैं, ऐसे इधर एक बार तोड़ लेते हैं, अब इस साइड पे तोड़ लेते हैं, ये सबसे सेफली होगा। और मुझे यहाँ पे स्टोन ब्रिक भी दिख गया, स्टोन ब्रिक का मैं सीधा स्ट्रॉन्ग पोर्टल के अंदर ही आ गया हूँ, आई मीन स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर। और यहाँ पे अपने को स्केलेटन की स्पॉनर मिला है, सो इसका मैं पास में देखूंगा, अभी के लिए तो छोड़ते हैं। और इधर एक लाइब्रेरी है, अगर लाइब्रेरी है तो स्ट्रॉन्ग होल्ड भी पास होगा, फाउंटेन वाला रूम, और यहीं पर ही है अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड। और एक सिल्वर फिश भी है, बहुत बढ़िया, अपने को इसे तोड़ना है फर्स्ट ऑफ ऑल। सिल्वर फिश आई थिंक मेरे थ्रोन्स वाले एंचेंटमेंट के लिए मर चुका है, और अपने पास आ चुका है आई ऑफ एंडर, और इन सब में मुझे आई ऑफ एंडर भरना है एक को छोड़ के। ओके सो हम लोग तैयार हो चुके हैं एंडर ड्रैगन को मारने के लिए, सो आ रहा लेट्स गो, इसे इग्नोर मारना। सो हम लोग आ चुके हैं एंड पे, और इसके बाद मज़े लीजिए टाइम लैप्स की। और प्रो टिप्स, सो ऐसे ऊपर पिलअप करना, ये जो पिलर है जो एंड क्रिस्टल वाले पिलर है, इनसे ऊपर जाना है अपने को। सो इसके ऊपर चले जाओगे तो जो एंडर ड्रैगन है वो आपको कुछ नहीं कर पाएगा। देख सकते हो जैसे कि मैं यहाँ पे बिंदास होके क्रिस्टल तोड़े जा रहा हूँ, एंडर ड्रैगन कुछ भी नहीं कर रहा है, बस थोड़ा रिस्की है, तो कर लोगे तो बहुत बढ़िया। आई थिंक मैंने सारे क्रिस्टल तोड़ दिया है, सो उधर चलते हैं। और ये मैंने चकमा दे दिया एंडर ड्रैगन को, ये इधर ही आएगा, एक बार इस साइड पे आने दो। हाँ इसका ही कमजोरी यही तो है, यहाँ पर आएगा तो अपने आप बैठ जाएगा। चलो इसे ऐसे मारते हैं फिलम फिलम। यार ये नहीं चाहिए, भाग 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 भाग, यार क्या करूँ। गोल्डन एप्पल कहाँ पे, ओह कहाँ पे, जल्दी से गोल्डन एप्पल बाहर निकालता हूँ और जल्दी से खा लेता हूँ। कमोन, ठीक है अपने को रीजनरेशन मिल रहा है। हाँ यही तो है प्रॉब्लम इसका। ओह चलो मरा, मरने वाला है, ये बस मरने ही वाला है। हो भाई साहब, अरे यार ये नहीं, एंडर मैन कितना परेशानी करे। अरे यार इसकी ब्रीथ है, ओह ड्रैगन ब्रीथ काफ़ी खतरनाक है। चलो ये खा लिया, और मैंने स्पीड की पोषण एक ही रखा है। ओ चलो अब ये मरने वाला है, इस बार फाइनल हो, सो फाइनली ये ख़त्म। और यहाँ से जितना हो सके उतना एक्सपी मैंने कलेक्ट कर लिया, और पोर्टल के थ्रू उस पार चला गया। और अपने को मेन जो चीज़ चाहिए था वो है एलाइट्रा। ये वीडियो तभी ख़त्म होगा जब हमें एलाइट्रा मिलेगा। वो भाई साहब, बहुत ढूंढने के बाद अपने को ये मिला। यस लिटरली मैंने बहुत देर तक ढूंढा है। और ये भी है नमूने, चलो इन्हें भी मार देते हैं। अरे यार ये भी मर, ठीक है अपने पास लूटिंग 3 है। और इधर है अपना एंड स्टेप, सो मैं ऐसे ही करने वाला हूँ पिलर अप, जितना है उतने सारे ब्लॉक्स में खर्चे करने वाला हूँ। यहाँ पर यार सारे ब्लॉक लगा दूंगा मैं, अपने पास तो वुड भी है, प्लैंक्स है, तो उसकी भी टेंशन नहीं है। बस पहुंच चुका हूं, और मुझे वहां से जाने से पहले इन नमूनों को हटाना है। हो इनसे तो मुझे पंगा है, अगर ये एक बार मारेगा तो पूरा गेम ख़त्म हो जाएगा। लिटरली नीचे कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा रिस्क लेने वाला हूँ, ये मैंने फेंका एंडर पर्ल। ओके एंडर माइट भी स्पॉन हुआ था, आई थिंक वो नीचे गिर गया है, मैं भी अंदर जाने वाला हूँ जल्दी।
ओह यार कौन है, कहाँ से मार रहा है यार, एक बार देख तो लूँ उसे। ओह ये है, चल मर। ओह इसने भी ड्रॉप किया। और यहाँ पे मैं अपने लिए एक सल्कर बॉक्स बना लेता हूँ। ये हो गया, अब बस एक ही अचीवमेंट बाकी है ये। सो अपने पास एलाइट्रा भी आ चुका है। ओह सो फाइनली मैं वीडियो एंड कर सकता हूँ। फाइनली ये वीडियो एंड हो रहा है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा आज की वीडियो। सो ऐसी ओपी वाले सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये किसी भी एंगल से आपसे मॉड डाउनलोड चैनल नहीं है, बस गेमिंग चैनल। और एंड करने से पहले एक और चीज़ दिखा देता हूँ, जैसे कि ये लोड हो रहा है, ये सेम ही वर्ल्ड है। और यहाँ पर देख सकते हो मैंने क्रिएटिव मोड नहीं यूज़ किया। बाय।